आज प्रातः करीब 4 बजे राजमहल थाना में सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर अनुमंडल अस्पताल के बाहर में जो निर्माणाधीन मार्केट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों के ऊपर एसिड अटैक की घटना हुई है। सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी और वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सभी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर जो पीड़ित थे उनमें से आलम शेख के का फर्द बयान लिया गया, जिसके द्वारा बताया गया कि आलम शेख, उसकी बहन हसीना बीवी, उसकी भगिनी और उसकी माँ, ये चारों लोग निर्माणाधीन मार्केट कॉम्प्लेक्स की छत पर सो रहे थे जब जिस समय रात में फिर 3 व्यक्ति वहाँ पर आए और उनके ऊपर एसिड से हमला किया गया। इस आशय का प्राथमिकी दर्ज किया गया और इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों नामजद व्यक्तियों को डिटेन किया और उनसे पूछताछ की गई। इसमें जो एक व्यक्ति है अभियुक्त मनीष, जिसने कि अपना पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार किया और उसने बताया कि वो जहां काम करता है वहीं से एसिड लेकर के आया था। वहां पर एसिड की रीपैकेजिंग और टॉयलेट क्लीनर बनाने का काम होता है और उसी एसिड से उसने ये हमला किया और इस क्रम में वो भी घायल हुआ है, जिसका उसका भी इलाज कराया गया है। इसमें जितने भी पीड़ित हैं चारों पीड़ितों को यहाँ प्राथमिकी इलाज करा करके धनबाद रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए, जिसमें से कि दो को जो बर्न इंजरी है वो थोड़ी गंभीर है। और इस मामले में एक SIT का गठन किया गया है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में, जिसमें राजमहल सर्कल इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी हैं जो विभिन्न विभिन्न आयाम पे इसमें काम कर रहे हैं। तकनीकी साक्ष्य का भी संकलन किया जा रहा है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं जिनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और इसके अतिरिक्त जो पीड़ित हैं उनके इलाज और मुआवजा और पुनर्वास के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, प्रेषित किया गया है इसमें उपायुक्त महोदय और नालसा सचिव को। जो एसिड जहां से लाया गया उस स्थल का भी निरीक्षण किया गया है अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, वहां पर टीम गठित करके वहां पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसका सब 3 लोग शामिल नहीं आए, जो प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जो फर्द बयान दिया गया है उसमें 3 व्यक्तियों की संलिप्तता इसमें बताई गई है। इनमें से जो तीनों को डिटेन करके हमने पूछताछ किया है, जिसमें से कि व्यक्ति मनीष के द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है कि स्वयं उसके द्वारा ये घटना की गई है और उसकी गिरफ्तारी भी हम लोगों ने कर ली है, मगर जो शेष 2 व्यक्ति हैं उनके संबंध में भी हम लोग अभी और साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और पूरी तरह से इसमें जब साक्ष्य संकलन कर लेंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और हम लोगों को भी सूचना दी जाएगी। मोटिव है सर इसमें? अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये व्यक्ति मनीष जो है ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो पिछले 1.5 साल से जो होटल है उसकी संचालक का हसीना बीवी के संपर्क में है, यहाँ आना जाना करता है और काफ़ी समय से यहाँ रह करके अब यहाँ पे नौकरी भी कर रहा है। और अभी तक के अनुसंधान में यही पाया गया है कि उसका महिला के साथ संबंध था और महिला का अन्य व्यक्तियों के साथ भी बातचीत होता था जो उसे नागवार था, जिसके कारण कि उसने घटना को कारित किया है। अन्य भी जो तथ्य हैं उसके ऊपर भी हम लोग जांच कर रहे हैं और सभी पहलुओं पर हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एसिड का जो उपचार है वो तो सर अभी प्रतिबंधित है ना? रेगुलेटेड है, पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है। कई सारे इंडस्ट्रियल यूज के लिए एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए कि पॉइजन एक्ट के अंतर्गत उसको रेगुलेट किया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस हैं, उसके कैसे यूज़ करना है, स्टॉक करना है, किनको इन्फॉर्म करना है, तो रेगुलेटेड है ये और उसके अनुसार ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। सर ये एसिड कहाँ से लाया सर? ये जो व्यक्ति मनीष है ये जहाँ यहाँ पर एक वाटर प्योरीफाइंग जगह है, रोशन जी कुछ नाम है वहाँ पर, वहीं पे वो काम करता था। उस यूनिट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए पैकेजिंग और टॉयलेट क्लीनर बनाने का भी वो काम करते थे और वहाँ पर एसिड स्टोर किया हुआ रहता है जहाँ से कि वो ले करके। राजमहल क्षेत्र है या कहीं और बाहर है? राजमहल थाना क्षेत्र। सर एसिड कौन सा एसिड है ये सर? जो हम लोगों ने अभी प्रारंभिक जांच किया है, घटनास्थल का मुआयना किया है, जो बॉटल प्राप्त हुआ है उसमें वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बॉटल वहाँ पर पाया गया है, मगर घटनास्थल से सैंपल कलेक्ट किया गया है और उसका जो फॉरेंसिक एनालिसिस जब किया जाएगा तभी ये क्लियर होगा कि जो घटना में प्रयुक्त है वो क्या है।